नमस्कार अवनी हिंदुस्तानी की तरफ से सारे चौकीदार भाई बहनों को भारत माता की जय। हम लोगों ने एक शब्द बार बार सुना होगा, भविष्यवाणी। लेकिन जो पिछले काफी सालों में जो भविष्यवाणियां हुई है वो अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं ऐसे ही आपके सामने 10 भविष्यवाणी आज पढ़ के सुनाऊंगी, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं अभी के राजनैतिक जीवन से, लगते अभी जो प्रसंग बन रहे हैं उन सबसे। सबसे पहली जो भविष्यवाणी थी वो था, एक दिन ऐसा आएगा कि जब वोट के लिए कांग्रेस जनोई भी पहन लेगा। ये कहा था 1959 में वीर सावरकर जी ने। दूसरी भविष्यवाणी, एक दिन पूरे देश में भाजपा का राज होगा। ये कहा था अटल जी ने 1999 में संसद में। तीसरी भविष्यवाणी, मैं भारत को कांग्रेस मुक्त करके रहूंगा। ये और किसी ने नहीं, हमारे प्रिय मोदी जी ने कहा था 2010 में। एक चौथी भविष्यवाणी है, मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं पर मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसी कांग्रेसी विचारधारा के विरुद्ध एक ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो इनका नामो निशान मिटा देगा, चाहे इसके लिए मुझे 100 जन्म ही क्यों ना लगे। 800 साल की गुलामी के सामने 100 साल और सही, लेकिन यही संगठन भारत को वापस अखंड भारत बनाएगा। ये बोला था केशव बलिराम हेडगे जी ने 1922 नागपुर में, और ये वही संगठन है जिसको हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस सबसे ज्यादा नफरत करती है आरएसएस के संगठन वालों से। पांचवी भविष्यवाणी, भारत सरकार 500 और 1000 के नोट अचानक बंद करे, इससे देश की आधी समस्या कुछ साल में खत्म हो जाएगी। ये कहा था बाबा रामदेव जी ने, बार बार कहा है 2006 से लेके 2013 तक उनका ये स्टेटमेंट हमेशा रहा है। छठी भविष्यवाणी थी, जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक होगा। ये और किसी ने नहीं, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में। सातवीं भविष्यवाणी, आज गौ हत्या आंदोलन के सामने इंदिरा गांधी ने 1 घंटे में 400 साधु को गोली चलाकर मार डाला। मैं कांग्रेस की पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में सांसद में वर्चस्व करेगा और कांग्रेस को नष्ट भी करेगा। एक ब्राह्मण का ये श्राप है और एक ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। ये कहा था साधु करपाली महाराज ने सांसद के सामने रोते हुए, जब वो साधुओं की लाशों को उठा रहे थे, 1966 में हुआ था ये। आठवीं भविष्यवाणी, कांग्रेस वोट बैंक के लिए इतनी गिर जाएगी कि वो जेएनयू जैसे नेहरू के वामपंथी नारों का भी समर्थन करेगी और गौ हत्या का भी खुल के समर्थन करेगी और स्वयं को नक्सली साबित करेगी। ये कहा था नन अनर देन स्वामी सुब्रमण्यम जी ने, कहा था 2009 में। नौवीं भविष्यवाणी है, कांग्रेस को मैं खत्म करूंगा, जो एक आदमी संघ से ऐसा निकालूंगा जो कांग्रेस का अंतिम संस्कार करेगा। ये कहा था अगेन स्वामी सुब्रमण्यम ने 1984 में। दसवीं भविष्यवाणी, नरेंद्र मोदी भारत का भविष्य है, 2002 के गुजरात के दंगों का दोष उनपे मत थोपो, वो निष्पाप है वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। ये बोला गया था, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बाला साहेब ठाकरे ने कहा था 6 जून 2002 में। ये 10 जो भविष्यवाणियां हैं, जो अभी का जो माहौल हम हर रोज देख रहे हैं आए दिन, ये सब सारी चीजें रिलेट हो रही है और ये सारी चीजें सच भी हो रही है। तो ये जो 10 भविष्यवाणी है उससे हमको एक चीज समझनी है कि हिंदुत्व को जिंदा रखे, ऐसी पार्टी को चुने जो आपका भविष्य सुनहरा करे, आपको अच्छा जीवन दे, सुखमय जीवन दे और आपके देश का नाम
दूसरे देशों के सामने रोशन करें, इसीलिए एक साथ खड़े रहे, अपनी एकता से जुटे और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। नमस्कार, अपनी हिंदुस्तानी की तरफ से भारत माता की जय।